आज एक विजिट करने के लिए आए हैं अपन जीएसएस ग्रिड सब स्टेशन। जीएसएस क्या होता है? ग्रिड सब स्टेशन, इसलिए तो उसका पूरा नाम हो गया, शॉर्ट में जीएसएस बोलते हैं। ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ, अलग अलग क्षमता के बनाए जाते हैं। जैसे 132 केवी की लाइन का जीएसएस है, ग्रिड सब स्टेशन 132 केवी, तो उसका सिस्टम अलग रहेगा। 132 केवी की लाइन आ रही है, वो 132 केवी की लाइनें कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो सप्लाई हमारी जो पैदा होती है, ये अल्टरनेटर है, ठीक है। अल्टरनेटर जो मैक्सिमम जो पैदा करता है वो 11000 वोल्ट पैदा करता है, ठीक है। 11000, हाँ कोई बात, 11000 वोल्ट जो पैदा कर रहा है अल्टरनेटर हमारा। अब इस 11000 को यहाँ पर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर करेंगे, ऐसे ये स्टेप अप बढ़ा देगा वो, तो ये 11000 को 132 में बदलेगा, 11 केवी से 132 केवी। तो यहाँ से जो लाइन है ये ट्रांसमिशन लाइन कहलाएगी। सिंगल लाइन डायग्राम एक बना हुआ है आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, तो प्राथमिक ट्रांसमिशन लाइन ये 132 केवी की जो लाइन है, यहाँ से जो जनरेटिंग स्टेशन पे इतना भाग हो गया, उसके बाद 132 केवी की जो लाइन आई, यहाँ सिर्फ ये लाइनें दिख रही हैं, लेकिन वो खंभे, इतने बड़े बड़े खंभे दिखेंगे ना, वो खंभों से लाइन जाती, तीन तार जाते हैं, वो ये एक लाइन है, उसकी जगह वो तीन तार जा रहे हैं बड़े बड़े। तो ये 132 केवी जैसे यहाँ आता है, 132 केवी ये प्राथमिक ट्रांसमिशन लाइन, प्राइमरी ट्रांसमिशन, ठीक है। फिर इसके बाद 132 से फिर 33 किया गया, 132 को फिर डाउन करके 33 किया गया, ये स्टेप डाउन किया गया है, ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन, थोड़े मतलब अलग अलग क्षेत्र में दिया गया। अभी जो अपन यहाँ खड़े हैं जिस क्षेत्र में, वहाँ पर लाइन आ रही है 33 केवी, तो अपन इस जगह पे खड़े हैं, ये 33 केवी का जो जीएसएस है, ये 33 से डाउन करके 11, ये 33/11 का ये डाउन किया गया। अब अपने शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है अपना, अपन जो खड़े हैं वो यहाँ हैं, बिजली जो पैदा हो रही थी जीएसएस वहाँ से होकर के नहीं, पैदा होकर के नहीं, यहाँ तक आ चुकी है। अब यहाँ 33 केवी से 11 केवी करके फिर अलग अलग एरिया में बांटी गई, जिसको बोलते हैं अपन फीडर, ठीक है, जिसको फीडर कहते हैं। जो ये 33 केवी जो है ना, ये 33 केवी की लाइन यहाँ आई, अब आप देखें यहाँ जो दिखाई देगा आपको, ये 33 केवी की लाइन आ रही है ना, बीच में एक ब्रेकर लगाया, कोई मेन स्विच तो चाहिए कि नहीं चाहिए किसी लाइन को बंद करने के लिए, और पूरे एरिया को बंद करने के लिए एक तरह से मेन स्विच टाइप हो गया, लेकिन ये मेन स्विच इस तरह का नहीं कि हैंडल लगा करके जो अपने घर में होता है, ये पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, कंट्रोल सीधा, ये वीसीबी है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, साइड में इसका रिमोट कंट्रोल भी है, और एक आध रिमोट कंट्रोल हो सकता है वहाँ अंदर भी हो, अंदर भी होगा शायद, नहीं इसका होता है, लेकिन बड़े जीएसएस में होता है ना अंदर, यहाँ पर अभी नहीं होगा, बाकी नहीं तो रिमोट कंट्रोल मतलब दूर इसका जो कंट्रोल रूम है वहाँ से ऑपरेट करो तो यहाँ सारे ब्रेकर ऑपरेट होते हैं, इसको बोलते हैं रिमोट कंट्रोल, ठीक है। तो ये अपना जो 33 केवी आया इस ट्रांसफार्मर में, तो ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन हो गया, 33 को कर रहा है ये 11। अब आपको ये इस 33 का जो ये ट्रांसफार्मर आ रहा है, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है ना, ट्रांसफार्मर का सिंबल इस टाइप से है, बीच में दो लाइनें हो गई है, अब यहाँ बीच में ब्रेकर लगे हुए हैं, है ना, तो ब्रेकर का जो सर्किट ब्रेकर का ये सिंबल इस टाइप का होगा, ये ब्रेकर लगा हुआ है वहाँ, ब्रेकर लगा, फिर ये सिंगल लाइन कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली में तीन तार आ रहे हैं ना, आर वाई बी तीन फेज आ रहे हैं, ये वास्तविकता में ये है, चित्र में ये है, आपकी बुक के अंदर जो चित्र दे रखा है वो ऐसे सिंगल लाइन, हकीकत में यही जो ब्रेकर है वो ये रहा, इतना बड़ा होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर इतना बड़ा होता है, अभी ये सिर्फ ये दो लाइनों में कर दिया। अब यहाँ से आ करके और इसको बोलते हैं अपन फीडर, यहाँ पर फीडर अलग अलग हैं, तो आपको ये नोट करना है कि इस जीएसएस से फीडर, अब ये 33 के भी जैसे 33 से 11 किया गया, ये 33 से 11 करके, अब यहाँ 33 से यह 11 किया है, यहाँ बीच में भी यहाँ ब्रेकर दिया है आइसोलेटर, यहाँ पर भी ब्रेकर है, देख लो ये जो है ना, इसको जियो बोलते हैं क्या, आइसोलेटर स्विच, आइसोलेटर स्विच इधर इधर,
ये आइसोलेटर स्विच जो है ना, इसको जियो भी बोलते हैं गैंग ऑपरेटिंग, मतलब नीचे से इसको ऑपरेट किया जाएगा, क्योंकि ये हाई टेंशन लाइन है ना, हाई टेंशन लाइन है तो वो इसके पास में जा नहीं सकते, इसकी डिस्टेंस से ये दूर से इसको ऑपरेट करना पड़ता है। तो ये जियो है ना गैंग ऑपरेटिंग स्विच, इस हैंडल के द्वारा इसको मेक एंड ब्रेक किया जाएगा, जोड़ना और तोड़ना। अभी ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये कहाँ लगा हुआ है, ये स्विच ये आ गया आपका, ये जो स्विच है ना वो अभी ये है इधर, इसको जियो बोलते हैं, वो ये वाला स्विच है। अभी आप जाके चित्र देखना, उसके बाद यहाँ से जो लाइन आई मेन इनकमिंग, यहाँ से फिर ये बस बार में चली गई ऊपर, ये बस बार है पूरा, है ना, वो बस बार दिख रहे हैं, ये पूरी बस बार वो हो गई आपकी, है ना, ऊपर जो लाइन में तार ये बिछे हुए ना, इसको बोलते हैं बस बार, है ना? बस बार ये है, मतलब बस बार का मतलब जैसे मान लो किसी एक जगह से ले करके, अब मान लो यहाँ तीन तार आ रहे हैं, है ना, अब थोड़ा सा ये बस बार का उपयोग क्या है, बस बार का उपयोग मतलब ये आर वाई बी, ये तीन तार आ रहे हैं ना, ये है ना, ये थ्री फेज आ गए मान लो आर वाई बी, हमें यहीं से लाइन लेनी है, एक शाखा और लेनी है, जॉइंट करके यहाँ से ले लिया एक शाखा, ये हो गई, यहीं से दूसरी शाखा और ले जानी है ना, यहीं से तीसरी शाखा और निकालनी है मान लो ये, तो ये क्या, ये जंक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कि नहीं होंगे, तो इसके बजाय अपन क्या करते हैं, एक दो तीन तार ले लिए, ये इसको बस बार कह दिया, ये बड़ा ऊपर एस टी लाइन पर ये डाल दिए, एक जंक्शन यहाँ से ले लिया और ये एक फीडर अलग निकल गया, इसको बोल दिया फीडर, ये फीडर है, ऐसे ये बस बार है, यहाँ से तीन तार निकल गए फीडर, यहाँ बीच में ब्रेकर लगा दिया और अलग एरिया दे दिया, ऐसे ऐसे दूसरी बस बार ये इसी बस बार से एक दूसरा फीडर ले लिया, एक फीडर और ले लिया, इसको फीडर कहेंगे। अब आप यहाँ नोट करो कि कितने फीडर यहाँ लगे हुए हैं, और हर फीडर के पास में यहाँ पर एक ब्रेकर होगा, इस ब्रेकर के बाद फिर आगे लाइन दी है यहाँ 11 केवी के, तो ये 11 केवी की जो लाइन है, 11 केवी के तीनों तार जो ट्रांसफार्मर से निकले, अब आपको करते क्या है, ये ट्रांसफार्मर से जो तार निकले ना 11 केवी के, ये सीधे गए बस बार में, बस बार के मतलब ये सीधी सीधी जो लाइन जा रही है ना, ऐसे तीन लाइनें हैं ये, एक जगह इनको लगा दिया, अब देखो ये यहाँ से निकले और एक जगह लगा दिया ना, देखो उधर घुमा कैमरा, उधर देखो ये बस बार यहाँ से ये गया ना, ये बस बार को चला गया, ये बस बार जो है ना इसके बस बार के ऊपर चला गया ये, अब बस बार में ये तीनों तारों को चार्ज कर दिया, ये इनकमिंग हो गई यहाँ से, ये बस बार को चार्ज कर दिया, फिर यहाँ से आउटपुट लेने वाले फीडर, ठीक है, ये बस बार से आउटपुट ले रहे हैं वो फीडर हो गया, ऐसे न ऐसे इन दोनों के बीच में भी यहाँ जोड़ रखा है ना, ये बीच में भी एक ब्रेकर लगा रखा है, बस बार दो पार्ट कर दिए, 33x11 का GSS है ना, ग्रिड सब स्टेशन बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म। यह GSS 33 KV सप्लाई को लेकर 11 KV लाइन निकलता है, और 11 KV लाइन सब जगह ने डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो लाइन आ रही है 33 KV, ये जो निचला घंटाला में 132 KV का GSS बना हुआ है ना, वहाँ से ये लाइन है ना 132 से 33 में कन्वर्ट हुई और है ना 33 KV लाइन यहाँ पे आई, ये 33 आई है, ये GSS जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पर है ना तीन GSS पे लाइन और जा रही है यहीं से, अब वो मैं बताता हूँ आपको, ये तो फिलहाल बंद पड़ी है, ये है ना काट रखी है इस, ये क्या है रोहिणी नगर GSS पे जा रही है, लेकिन रोहिणी नगर पे अभी फिलहाल है ना लोधा है ना GSS से लाइन आ रही है, इसलिए ये उधर की लाइन यहाँ आके ना एंड हो रही है, ये जियो का आइसोलेट कर रखा है, आइसोलेटर स्विच कटा हुआ है, ठीक है। उसके पास वाली लाइन है ये दामनिया करके एक GSS बना है, दामनिया है ना, वहाँ दामनिया GSS पर यहाँ से जा रही है लाइन, मैंने आपको पहले बताया कि ये जंक्शन पॉइंट है, और उधर वाली जो VCB लगी हुई है, VCB का मतलब समझते हो, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और एक आता है OCB यानी ऑयल सर्किट ब्रेकर, एक ये लाइन निकल रही है, इसको बोलते हैं ये मदारेश्वर GSS पे जा रही है, मदारेश्वर मंदिर का मंदिर से पहले ना जो है ना वो GSS बना हुआ, तो उस GSS पे लाइन यहाँ से जा रही है, ये 33 KV लाइन जा रही है, ठीक है, ये उसका VCB लगा रखा है,
आजकल क्या बिजली वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, पहले आते थे ऑयल सर्किट ब्रेकर जिसमें ऑयल भरा जाता था, लेकिन अब क्या है कि ऑयल की थोड़ी शॉर्टेज हो गई है तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर निकाल दें। हाँ नानी यार, और ये अपने है ना, ये जो पीपल व जीएसएस है उसकी वीसीबी लगी हुई है, और ये उसका वीसीबी लगी हुई है, और यहाँ से ये लाइनें ना इस पावर ट्रांसफार्मर में जा रही है। आ जाओ, ये अपना पावर ट्रांसफार्मर है, ये 3.15 MVA नोट कर लो सभी, 3.15 MVA है ना, MVA का है ये। MVA तो तुम लोगों ने पढ़ाई होगा ITI में, है ना। 33 से फिर अब ये पावर ट्रांसफार्मर जो है ना, ये उधर से इसमें 33 घुस रही है और 11 निकल रही है, है ना। 33,000 में कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना। 33 to 11 लड़कियाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, नहीं लगेगा करंट आपको। तो 33 के भी ये सप्लाई ले रहा है पावर ट्रांसफार्मर और 11 बार निकाल रहा है, है ना। ये 3.15 MVA मेगा वोल्ट हाँ बराबर, हाँ। और ये है ना, ये इसका आइसोलेटर स्विच, ये और ये पीछे इसके फ्यूज लगा रखे हैं हमने प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कोई भी लाइन के ऊपर फॉल्ट होता है तो उसके लिए सभी फीडर पर हमने ना वीसीबी लगा रखी है, और इन सब वीसीबी के ऊपर मेन वीसीबी ये है, यह है ना क्या कि एरिया के हिसाब से, रोड के हिसाब से है ना, क्योंकि सारा लोड एक फीडर पर नहीं पड़े ताकि तार गर्म नहीं हो, तार टूटे नहीं, इसलिए हमने क्या करा कि सर्किट बना, जैसे ITI फीडर वो फर्स्ट ब्रेकर है, उसके बाद इंडस्ट्री फर्स्ट, इंडस्ट्री टू, इंडस्ट्री थर्ड फोर, और वो यूनिवर्सिटी फीडर, वरना है ना अगर सारे है ना यूनिवर्सिटी नहीं बनी अभी मैडम रोड पर, उसके लिए यहाँ से फीडर निकाला है। पहले ये फीडर जा रहा था मोरडी मिल, तो अब वो है ना चिड़ियावासा GSS में मोरडी का है ना मतलब VCB लगा के वहीं से लाइन दे दी, तो अब इस ये फीडर फ्री हो गया था, तो इसको यूनिवर्सिटी में लाइन दे के ना इसको यूनिवर्सिटी फीडर बना दिया है ना। अगर ये सारे फीडर हटा दें और है ना एक ही लाइन खींच के ना मतलब सारा लोड एक ही लाइन पर डालें तो क्या होगा, तार गर्म हो जाएंगे, टूटेंगे तार, फ्यूज तो ठीक है तार ही टूट जाएंगे, और VCB जो लगाएंगे वो VCB बार बार है ना मतलब है ना ओवरलोड हो जाएगी और है ना लोड नहीं उठा पाएगी ना, VCB के जो सिस्टम है वो सब अंदर जल जाएंगे, इसलिए जैसे है ना हर चीज़ को टुकड़ों में बांट दिया। अभी जैसे तुम हो, तुम्हारे ऊपर अगर 50 किलो का वजन रख दें तुम बैठ जाओगे नीचे ना, अगर है ना 5 लड़के बुला के ना सब पे 10-10 किलो का रख देंगे तो आराम से झेल लोगे, तो बस वही बात इनमें है ना। बिल्कुल वही बताता हूँ, एक मिनट शूटिंग कर लेना। और यह सिटी फ्रिज से कनेक्टेड इनकी मीटरिंग हो रही है, मीटर लगा दें इसमें कितना करंट निकला वो पूरा सिस्टम बता देगा, सब रीडिंग ये देगा है ना। ये सिटी पीटी है, ये आउटपुट से लगा हुआ है, ये इनपुट लेके आउटपुट दे रहा है, हाँ मतलब लोड कितना जा रहा है वो लोड है ना इस मीटर में रीडिंग आ जाएगी, है ना। और इसके अलावा CTPT इन VCB के अंदर भी लगी हुई है, वो भी मैं बता देता हूँ, लेकिन बार बार VCB को कौन खोले इसके लिए ये सेफ अलग से लगा दी। और
पांच वीसीबी का एक वीसीबी मेन इनकमर, यानी कि मतलब है ना मैं एक तरह से यूँ समझ लो मेन स्विच घर में लगाते ना, ये मेन बंद हो गई यानी सारी वीसीबी बंद टोटल है ना। और इसके पीछे आ गया पावर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर के पीछे आ गया फ्यूज, फ्यूज के पीछे आ गई वीसीबी 33 की वीसीबी, ताकि क्या कि पावर ट्रांसफार्मर इसके पीछे लग रही है अंदर है। अच्छा अच्छा ये है क्या इसके अंदर जो है, वो मीटर डैमेज हो जाए तो यहाँ से रीडिंग उठा सकते हैं। जैसे भी मीटरिंग किया हुआ है कुछ हुआ और सिटी पुटी मतलब ब्लास्ट हो गई खत्म हो गई तो फिर ये मतलब इससे काम चला है, यानी कि इस फीडर की दो दो मीटरिंग हो रही है। तुम्हें कहीं बिजली जैसे यहाँ से कितनी जा रही है ये हमें रिकॉर्ड चाहिए तो ये यहाँ से भी मिल सकता है। और टोटल जो रीडिंग है जैसे मान लो कंज्यूमर ने उसके घर पे भी, जैसे मान लो आपके घर पे जो जितने यूनिट खर्च किए वो और पूरे मोहल्ले की सबकी जोड़ लगा के देख लेंगे पूरे मोहल्ले की कितनी है ये मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ से बीच में कहीं चोरी हुई कि नहीं हुई ये मालूम पड़ जाएगा। तो ये हर ट्रांसफार्मर के ऊपर मीटर लगा रही है, ट्रांसफार्मर के ऊपर मालूम पड़ जाएगा कि ये कितने मतलब बिजली बीच में कहीं चोरी करके जा रहा था मालूम पड़ जाएगा, निकली इतनी है इतने यूनिट निकला मीटर की सिटी घरों में कितना पहुंचा सीबी के अंदर और लगी हुई है। देख लिया कि अच्छी तरह। तो अब इस चैप्टर के अंदर आपका जैसे ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैप्टर है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके बुक के अंदर जो ये पार्ट है इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है, क्योंकि इसका जो प्रैक्टिकल आईटी के अंदर नहीं होता, इसका प्रैक्टिकल अपने आईटी के अंदर नहीं होगा, ये अभी जो आप करने जा रहे हैं ये इसका प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सिंगल लाइन डायग्राम है, ये सिंगल लाइन डायग्राम आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी बना हुआ है। ये अल्टरनेटर जैसे ये यहाँ से अल्टरनेटर जैसे बना, एक ट्रांसफार्मर आ गया, दूसरा ट्रांसफार्मर, ये लिखा हुआ यहाँ 11/220 kV, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डाउन करके अलग अलग ये फीडर बनाए गए। तो अभी जैसे आप यहाँ आए हैं तो अच्छी तरह एक बार देख लें, और सिंगल लाइन डायग्राम यहाँ का बनाना है आपको। 33 kV की लाइन आई, उसके बाद पहला ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग आपको पता है, जैसे यहाँ सर ने बता दिया कि भाई ट्रांसफार्मर की रेटिंग इतनी है, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग मालूम है ना 33:11, ठीक है। 11 आने के बाद फिर 11 के बाद फिर एक ब्रेकर लगा हुआ है, उसके बाद जो है वो 11 की बस बार है, उसके बाद कितने फीडर लगे हुए हैं ये आपको लिखना है, और कौन कौन से फीडर निकले हुए हैं ये आपको बनाना है। तो सिंगल लाइन डायग्राम बनाओ 33 kV का। सबसे पहले तो ये मेन इनकमिंग आ गई है, ऐसे इनकमिंग जैसे आ रही है ना, इनकमिंग यहाँ 33 kV कर दो ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ बीच में आते ही यहाँ पर जो एक ब्रेकर लगा हुआ है ना ये, तो ऐसे ही बीच में ये आड़ी डंडी ऐसे, ये दो लाइनें करके ये आड़ी डंडी ऐसे कर लो, कर लोगे कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी आ रहे हैं वो तीन तार आ रहे हैं, प्रैक्टिकली देखा वो तीन तार हैं, सिंगल लाइन डायग्राम में ऐसे बनाना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपका ट्रांसफार्मर बना हुआ है, तो ये ट्रांसफार्मर ऐसे बना लो, स्टेप डाउन है तो मतलब ऊपर टर्न थोड़े ज़्यादा बनाना, नीचे थोड़े कम बनाना, स्टेप डाउन ऐसे बनाना है आपको। ये जो ट्रांसफार्मर है 33/11 kV, ठीक है, ऐसा आपको बनाना है। अब ट्रांसफार्मर के बाद यहाँ पर भी फिर एक ब्रेकर है, ऐसे एक ब्रेकर लगा हुआ है, यहाँ भी ब्रेकर है, यहाँ भी ब्रेकर है, वो देख लेना, वहाँ तीन तीन तार आ रहे हैं, वहाँ VCB लगा हुआ था ऐसे। और यहाँ से निकलने के बाद फिर यहाँ पर बस बार आ रही है, ये सिंगल लाइन है, वैसे तीन तार आ रहे हैं ना वो ऊपर टावर के ऊपर जो तीन तार आ रहे हैं, ये 11 kV, ये 11 kV, 11 kV का बस बार है। और यहाँ बस बार से यहाँ पर फिर एक एक ब्रेकर लगा हुआ है, हर एक के साथ ये ब्रेकर लगा हुआ है, ये फीडर हो गए है, लाइन जैसे जा रही है ना तो ऐसे ये करके नहीं फीडर लगे हुए। अब कितने फीडर हैं वहाँ गिन के आओ, और ये ऐसे बनाओ कितने फीडर बने हुए थे ये गिन के आओ, और फिर लिखो यहाँ नाम लिखो या फीडरों के नाम लिखो। फिर इनके आगे यहाँ CTPT लगी हुई है ना, CTPT लगा रखी है, फिर ये लाइन जा रही है इंडस्ट्रीज़ में, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री तीसरी चौथी ऐसे। तो ये आपका GSS का सिंगल लाइन ऐसे बनाना है आपको, समझ गया ना। सभी एक बार बनाओ, नहीं है तो एक दो जने जा करके फीडर गिन लेना कितने फीडर हैं, बाकी सब यहाँ बैठ के बनाओ।
तब जाके अपनी एक्सरसाइज पूरी होगी, खाली आके गए ऐसे नहीं, ठीक है, आके जाना ऐसे नहीं, तो फीडर गिन के आ जाना।